अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हम बनाएंगे आलू चिकन शोरबा। बहुत इजी है और बहुत आसान। तो चलें शुरू करते हैं। आप लोग मेरी रेसिपी देख रहे हैं तो मेरे चैनल पे साथ साथ आप लोग लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। आलू शोरबा इतना मज़े का बनता है और बहुत जल्दी झटपट, और बच्चे से बड़े शौक से खाते हैं। अच्छा, इसमें हमने ऑयल डालना है। पहले ऑयल गरम हो जाए तो इसमें ना ये गरम मसाला साबुत, तेज़पत्ता, बड़ी इलायची, दालचीनी के दो छोटे टुकड़े और दो तीन लौंग, बस। इसके अलावा और कुछ नहीं डालना। अब जैसे ही वो थोड़ा सा ब्राउन हो जाए तो हम ये प्याज शामिल करेंगे। प्याज को ब्राउन कर लेंगे, लाइट ब्राउन कर। प्याज ब्राउन हो जाए तो हम इसमें चिकन शामिल करेंगे, तकरीबन आधा किलो चिकन। इसका पानी अच्छी तरह इसको उस टाइम तक मिलाना है, अच्छी तरह से वाइट हो जाए गोश्त ये ना चिकन का। और गरम मसाला जो मैंने साबुत डाला है वो भी इस वजह से कि स्मेल ख़त्म हो जाती है। शोरबा बच्चे और ख़ास तौर पे हमारे बुज़ुर्ग बड़े शौक से खाते हैं। इसमें रोटी को नरम करके, इसलिए मैंने सोचा आज हम बनाएं चिकन शोरबा। चिकन बिल्कुल वाइट हो चुका है, ये देखें पानी को उसको हो गया। अब हम इसमें लहसुन, अदरक और हरी मिर्ची कूड़ी में पीस कर हम ये पेस्ट शामिल करेंगे। पेस्ट इसमें शामिल करके इसको थोड़ा सा हिलाएंगे ताकि, और साथ ही इसमें मसाले डालते जाएंगे। आग को आपने दम रखना है ताकि ये जले ना। कुटी हुई लाल मिर्च, हल्दी तकरीबन आधा चम्मच, हल्दी एक चम्मच, नमक ये पानी इसमें थोड़ा सा डाल के ताकि मसाला जले ना। उसको थोड़ा सा अच्छी तरह से भून लें। मसाला भून गया, अब थोड़ा सा एक कप पानी शामिल करेंगे और इस ढक्कन बंद कर देंगे ताकि प्याज व्याज अच्छी तरह से, और ये आधा कप हमने इसमें थोड़ा सा पानी शामिल किया। ये इसमें पानी आधा कप तकरीबन शामिल किया। अब इसे ढक्कन बंद करेंगे ताकि ये प्याज अच्छी तरह से गल जाए। देखिए मसाला और प्याज अच्छी तरह से मिक्स हो गया। अब हम इसमें डालेंगे 3 से 4 चम्मच इसमें 3 चम्मच भर के हम दही, आधा चम्मच तीखा मसाला, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। देखिए मसाले ने ऑयल छोड़ दिया। अब हम इसमें आलू इसके पीस कर लेंगे, ये आलू डालकर इसकी भुनाई कर लेंगे। हरी मिर्ची भी इसमें डालेंगे आलूओं के साथ, और इनको आलू को ज़रा भून जाए ऑयल में, वो अपना अलग टेस्ट देते हैं जब ये आलू जिसमें भुने जाते हैं।
आलू भून चुके हैं, अब हम इसमें थोड़ा पानी शामिल करते हैं। शोरबा हो जाए तैयार, क्योंकि शोरबे वाला आंच को हमने तेज कर देना ताकि शोरबा थोड़ा सा पके, उसके बाद हमें इसकी आंच को धीमा करेंगे। ये देखें शोरबा पक रहा है, अब हम इसका ढक्कन बंद करके ये थोड़ा सा खुला रहे और आंच बिल्कुल धीमी कर देंगे ताकि आलू भी गल जाए और शोरबा भी अच्छी तरह से पक जाए। ये देखें शोरबा पक के तैयार हो गया, ऊपर आयल आ गया। अब हम इसमें डालेंगे ये हरी मिर्ची, साथ काट के एक हरी मिर्ची लेके उसको दरमियान में से काट लें, काली मिर्च कुटी हुई काली मिर्च। इसके साथ हम इसमें डालेंगे गरम मसाला, गरम मसाला हमने इसमें डाल दिया और साथ ही हम इसकी आग को बंद करेंगे। देखते देखते आप मेरे चैनल पर लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऊपर बारीक अदरक कटी हुई, साथ ये कटी हुई बारीक हरी मिर्ची और पुदीना। अच्छा मैं धनिया नहीं डाल रही इसमें, मैं पुदीना डाल रही हूँ। ये आपकी मर्ज़ी है लेकिन मुझे शोरबे में पुदीने का टेस्ट बहुत मज़े का लगता है, और आप भी ट्राई करके ज़रूर देखें। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल पे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपनी दुआओं में याद रखें, इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ जल्द मुलाकात होती है। ओके, अल्लाह हाफिज़।